बदनसीबी के दर्शन एक झूले के समान होंगे दोस्तों, क्योंकि कर्मों का झूला कभी ना कभी धोखेबाजी से टूट ही जाता है। आंखों में आप आंसू नहीं रोक पाएंगे, लेकिन लोग आपको केवल धोखा देने के बारे में ही सोचते रहेंगे। आगे बढ़ने का प्रयास करें और थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जीवन में चल रही समस्याओं का हाल आपको आज की इस वीडियो में मिलेगा। आप कितने भी कम क्यों ना कर ले, लेकिन जब तक आपके अंदर एक सच्ची निष्ठा वन प्रतिष्ठा नहीं होगी, आप अपने जीवन में अग्रसर नहीं हो पाएंगे। आप लोगों को अपने डेली टास्क को पूरी तरह से कंप्लीट करने की आवश्यकता है, तभी आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। दस्तक देने वाली है वह आपके लिए खास रहेगी, लेकिन आप सभी को हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप आज की इस वीडियो को एक बार जरूर देखना, क्योंकि यह आपके लिए खास संदेश लेकर आई है। अगर आपकी जिंदगी ना बदल गई तो फिर कहना, आपकी जिंदगी में चार चांद लग जाएगी। आपके भाग्य साथ में आसमान पर होंगे, घोड़े से भी तेज दौड़ेगी आपकी किस्मत। स्वयं भगवान बजरंग बली ने आपका यह संदेश अयोध्या से सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए लाया है। अब आपकी जिंदगी में एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आने वाली है, जिसे आप वर्षों से अपने सपनों में देखा करते थे। अब वह घड़ी आ गई है, अब आपका सपना सच होने वाला है, जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपके ऊपर इतना जल्दी भगवान मेहरबान हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपको यकीन ही नहीं होगा कि भगवान इतना जल्दी हमारे ऊपर कैसे मेहरबान हो गए, लेकिन दोस्तों आप खुश भी होंगे कि हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी। दोस्तों, और जो भी आपके आसपास के लोग आपसे जलते थे, अब वह सबका भी मन बदल जाएगा। आपके जीवन में एक दोस्ताना रूप लेकर आएगा, और जो आपसे नजदीक रहते थे, करीब रहते थे, वह थोड़ी सी जुलूस फुल करेंगे, क्योंकि दोस्तों जो आपके आपसे जलते थे वह आपके करीब आ गए, और जो आपके करीब थे वह आपसे दूर हो गए। ऐसी बातें आपने बहुत बार सुनी होगी कि लोग आपकी जब भी बारी आती है मदद मांगने की, तो वह आपसे पीछे हट जाते हैं, लेकिन आपको आप खुद से सशक्त होना होगा, तभी आप अपने जीवन में एक बेहतर इंसान बन पाएंगे। इसलिए आज हम आप लोगों को ऐसे ही कुछ विशेष सावधानियां के बारे में बताने वाले हैं। हाथ जोड़कर निवेदन है, आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, ताकि आप लोगों के जीवन में कोई भी यदि सफल होने का प्रयास हो तो वह आपसे ना छूटे। इसके साथ ही साथ जिस चीज को सुनने के लिए आपके कान तरस गए थे, वही चीज अब आपको मिलने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर प्रकार की विशेष जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली के जयकारे लगाते हुए, ताकि बजरंगबली आप पर और आपके परिवार पर पूरी कृपा अपनी बरसा दे। करने के लिए एक अच्छा सप्ताह है, अपने संगठन कौशल को याद रखें और अपने आप को व्यवस्थित रखें। महीने के अंत में एक अप्रत्याशित लाभ की संभावना संभव है। आज दिन भर आपका मूड बदलता रहेगा, तालमेल से घर के किसी समस्या का हल निकालने में सक्षम रहेंगे, युवा वर्ग डेटिंग का भरपूर आनंद लेंगे। यदि आप शराब, सिगरेट या गुटखा का सेवन करते हैं, आप इन सब मादक वस्तुओं का त्याग कर दें, अन्यथा आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आज आपके घर में किसी अतिथि का आगमन हो सकता है, जिसकी आप भगत में आप बहुत अधिक व्यस्त रहेंगे। आज अपने परिवार के किसी सदस्य के कारण किसी परेशानी में फंस सकते हैं, इस परेशानी से घबराना, बल्कि संतुलित व्यवहार और संयम से आप अपनी इस परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं। आज आप अपने किसी पुराने मित्र के साथ शॉपिंग करने के लिए मॉल इत्यादि में जा सकते हैं। शॉपिंग करने से पहले आप अपने बजट की स्थिति पर ध्यान अवश्य दें। जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो यदि आप अपने करियर में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आपके लिए उचित समय है। आपके लिए कोई अच्छा आंसर मिले तो आपको उसका लाभ लेना चाहिए और आप अपनी नौकरी को बदल सकते हैं। वहां पर आपको अधिक वेतन प्राप्त होगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी। वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का पालन अवश्य करें, अन्यथा आप ट्रैफिक पुलिस के चक्कर में भी भर सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा, परंतु यदि आप अपने व्यापार में किसी प्रकार का कोई फेरबदल करना चाहते हैं तो सोच समझ कर करें, अन्यथा आपका पैसा बन सकता है और आपके व्यापार में हानि हो सकती है। युवा जातकों की बात करें तो यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल बहुत ही अधिक सोच समझ कर करें, अन्यथा आप कहीं गलत जगह पर भी बन सकते हैं। आज आप अपने परिवार के किसी सदस्य के कारण किसी परेशानी में फंस सकते हैं,
आप इस परेशानी से घबराना बल्कि संतुलित व्यवहार और संयम से आप अपनी इस परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं। आज आप अपने किसी पुराने मित्र के साथ शॉपिंग करने के लिए मॉल इत्यादि में जा सकते हैं। शॉपिंग करने से पहले आप अपने बजट की स्थिति पर ध्यान अवश्य दें। आज आप अपने माता पिता या भाई बहन की प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से दूर रहे, अन्यथा झगड़ा अधिक बढ़ सकता है, लेकिन आपका भाग्य आपके साथ है। इसका एक नुकसान यह है कि आप भाग्य के भरोसे पर अधिक रह सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि इसके कारण परियोजनाओं की तैयारी में कोई कमी ना रहे। वित्तीय फायदे तो होंगे, किंतु अनावश्यक खर्च न करें। वित्तीय लाभ का यह सिलसिला अधिक समय तक नहीं चलेगा। आप आज ऊर्जा से भरे हैं, अपनी अतिरिक्त ऊर्जा का प्रयोग खुद को फिट और स्वस्थ रखने के प्रयासों में करें। हर रोज नियमित और सही तरीके से एक्सरसाइज करने को अपनी आदत बनाएं। इस बारे में समर्पित रहे और डाल मेटल ना करें। आपको अपनी सेहत के मामले में लापरवाही बहुत ही महंगी पड़ेगी, इसीलिए अपने रूटीन स्वास्थ्य संबंधी अपनी आदतों पर खास ध्यान दें। कुली का गंभीर होने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आपको यह महसूस हो जाएगा कि अब आपको सेक्स लॉट करने में कोई रुचि नहीं रह गई। इसकी बजाय आप कोई परिपक्व सोच वाला गंभीर पाठदर्ता करने की कोशिश करेंगे। आप अपने भविष्य पर इन संबंधों के पट्टे देखने वाले प्रभाव के बारे में नहीं सोचना शुरू करेंगे। लंबी समय के संबंध बनाने की दिशा में पहला कदम उठाना और नए काम हाथ में ले सकते हैं। हमेशा की तरह अपने आप में यकीन बनाए रखें, इससे आप अपने लिए हर तय मंजिल तक पहुंच पाएंगे। भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन वित्तीय स्थिति का ध्यान रखें। जरूरत पर डीटीएच में पर ही खर्च करें। छोटी लेकिन निरंतर बनी रहने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के कारण पूरे दिन तनाव बना रहेगा। आप वैकल्पिक चिकित्सा के कुछ तरीके अपना सकते हैं, और अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आपको फायदा भी होगा। आज जंक फूड से बचें, इससे तनाव ही बढ़ेगा। आपको हर प्रकार से स्वास्थ्य सुधार पर ध्यान देना होगा। योग और ध्यान से भी विशेष लाभ होगा। समय हल्के फुल्के मनोरंजन के लिए है। आज का दिन प्रेम और अपने साथी के साथ मजा करने के लिए अति उत्तम है। हालांकि आपकी चिंताओं का अंत नहीं होगा, परंतु यह खुशनुमा पल आपको थोड़ी देर के लिए आपको परेशानियों से दूर ले जाएंगे, क्योंकि आप इस समय को खुशी से बिताएंगे। जो लोग अकेले हैं, उन्हें सामाजिक समारोह में संभावित दीर्घकालिक भागीदार की प्राप्ति हो सकती है। आज आप अपने आप पर संदेह कर सकते हैं और अपनी खुद की क्षमता को नजरअंदाज कर सकते हैं। यह सब आपके असुरक्षित व्यवहार की वजह से है, जिसे आपको नियंत्रित करना होगा। एक गहरे स्तर पर दूसरों के साथ संदेशों का आदान प्रदान करने का प्रयास करें। इससे न केवल आप उन लोगों के साथ बेहतर संबंध बना सकोगे, बल्कि आप कार्य प्रणाली को भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे और आपको अपनी बहुमूल्य स्थिति के बारे में भी जानने में मदद मिलेगी। आप पिछले कई दिन से बेचैन और नाखुश सा अनुभव कर रही हैं। आपको यह जानना है कि इस समस्या की क्या है। आज का दिन इस काम के लिए सबसे बेहतर है। लंबे समय से उपेक्षित कुछ कामों की योजना बनाने के लिए भी अच्छा दिन है। आप काफी लंबे समय से सही शेप में नहीं हैं, लेकिन अगर आप कुछ दिन से एक्सरसाइज नहीं कर पाए हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप ये कभी नहीं कर सकते। कोई आपके आसपास ऐसा है जो नकारात्मकता फैला रहा है, इसी से आप पर बुरा असर पड़ रहा है। अपने संबंधों को भी कुछ समय दें और इस बीच अपनी ऊर्जा का प्रयोग अपने भले के लिए करें। प्यार आपके तन और मां पर हावी है। असल में प्यार हर जगह है, सिर्फ आपको अपनी उपस्थिति के प्रति सचेत रहना होगा। कम संभल कर रखें और अपने मित्रों से सलाह लेने में बहुत सारे विकल्प नजर आएंगे, पर जल्दबाजी में निर्णय लेने से बच्चे। आपका शांत स्वभाव सबको आपकी ओर आकर्षित करता है। आपके चरित्र पर हल्की से पहली सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। बस आप ऐसे ही रहे। आज का दिन आपके लिए एक विवादास्पद दिन हो सकता है। आपका किसी के लिए गुदगुदाना या क्रोधित होना, वो किसी दूसरे के माध्यम से उन्हें पता चलने पर आपका पेशेवर जीवन बर्बाद हो सकता है। इसके अलावा आप किसी से किसी और का रहस्य खोल सकते हैं जो कि सही नहीं होगा। इसलिए आसपास के ऐसे लोगों से उचित दूरी बनाकर अपने जैसी रुचियां और सट्टासीन व्यक्तियों से साझेदारी बनाने की कोशिश करें। कुछ आदमी आपको झूठी आशाएं देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। अपने आप से फैसला लें और उन पर जम रहे आप काफी समय से घर खरीदने की सोच रहे हैं। अब आप ऐसा कर सकते हैं। आप पूरे मन से सुंदर और फिट दिखना चाहते हैं। हालांकि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक पार्टनर की सहायता जरूरी है। एक बार अपनी डाइट की समीक्षा दोबारा कर ले, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा कुछ हो सकता है जिसे खाने से आपको एलर्जी हो जाए। सलाहों का पालन कम और वर्कआउट अधिक करें।
तर्क और झगड़े में आज आपका दिन जा सकता है। अपने साथी के साथ आज किसी भी मुद्दे को उठाने से बच्चे अगर एक व्यक्ति बोलना बंद करें तो अपने आप रुक जाए। इस समय शांत रहे कमल और प्यार का व्यवहार रखें। अपने साथी के तर्क को समझें और उसके वितर्क में कुछ भी ना बोलें। अपने साथी का ध्यान उन खुशनुमा पल्लू की तरफ ले जाएं जो अपने साथ बिताएंगे थी। दिन थोड़ी सी क्षति पहुंचकर खत्म होगा। आज आपको अपने कार्यालय पर संचार और बातचीत कौशल का विशेष प्रयोग करने की जरूरत है। आपको सावधान रहना होगा कि जोर से शिकायत या किसी के पैरों में गिरने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आपको कूटनीति और कुशलता से दबाव के समय में कार्य करने की आवश्यकता होगी। आपकी सफल बातचीत भी काफी हद तक आपके करियर को आगे बढ़ा सकती है। आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का प्रवेश होगा। आज आपकी किसी अजनबी के साथ डेटिंग की संभावना है। आज की डिनर सेटिंग बहुत अच्छी रहेगी। इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश जारी रखें। यह रिश्ता शादी का रूप ले सकता है। दोस्तों, पहले खुशखबरी आपको मिलने वाली है कि आज यदि आपको किसी उम्मीद के साथ एक अजनबी के साथ आपका डेटिंग की संभावना है, दोस्तों वह प्लानिंग आपका पूरी तरह से आपके पक्ष में होगा। चाहे वह आपका डिनर डेटिंग हो, चाहे वह आपका कैरियर देती हो।